प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा करने के मामले में लोक निर्माण विभाग विद्युत यंत्रिकी के 3 इंजीनियर 2 ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अधिवक्ता दिनेश सोनी ने बताया कि सरगुजा जिले के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 2011-12 एवं 2012-13 में प्राथमिक व आध्यात्मिक शाला भवनों में विद्युतीकरण के कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि का गबन किया गया था। वर्ष 2010-11-12 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 1005 स्कूलों के लिए विद्युतीकरण के लिए राशि आई थी। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकों को बनाया गया था, उसके द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया तथा 2 ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया गया। इनके द्वारा क्या किया गया कि एक भी स्कूल में बिना विद्युतीकरण कराए फर्जी बिल वाउचर लगा के पूरी की पूरी 3 करोड़ रुपए राशि आहरण कर लिया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश पर परिवाद पर से 156(3) के तहत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें IPC की धारा 409-420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें यह 2012-13 का मामला है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य को लेकर अनियमितता पाई गई थी, जिसके आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय में परिवाद लगाया था, जिस पर से कुल 5 लोगों के खिलाफ इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले पर विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान आए हुए तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी।